अब अगला स्टेप देखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से ये दोनों, जैसे वैट है और एडिशनल टैक्स है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ के कैसे आएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया था। तो यहाँ पर वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट टैक्सेस का 2021 मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आप 2016 भी यूज करेंगे या 19 यूज करेंगे तो भी इसमें कैलकुलेटेड मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कोई क्वेरी ही नहीं बनाई है, देखिए इसमें कहीं क्वेरी नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, तो सीधा टेबल बनाया और टेबल के ही माध्यम से सारा कुछ कर चुका हूं मैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पर आऊंगा डिजाइन व्यू पर और इसमें एक और फील्ड में डालने वाला हूं। कौन सा फील्ड है, यहां पर मैं फील्ड डालूंगा टैक्स अमाउंट, ठीक है। अब ये टैक्स अमाउंट, अब दोनों को जोड़ करके टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना, ये एक अलग डिस्कशन हो जाएगा फिर इस बात पे, या फिर कैलकुलेटेड डेटा टाइप ले लिया मैंने, देखिए ये कैलकुलेटेड ले लिया। और करूंगा क्या, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और यहां पर चूंकि हमारा टैक्स तो टोटल में ही छिपा होगा तो टोटल उठाऊंगा मैं यहां से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, यहां पर दिया गया है टोटल टैक्स, तो हमें सीधा सीधा टोटल टैक्स से ही इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां देखिए टोटल टैक्स हो गया, और टोटल टैक्स करने के बाद यहां से सीधा ओके करिए और ओके करने के बाद यहां से व्यू पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका टोटल टैक्स एकदम कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए यहां पे टोटल टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे, तो यहां से जाएंगे, ये गए और यहां से जाकर के हम यहां से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, तो चाहे तो हम ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं या डिजाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बार ब्लैंक लेते हैं और यहां से डिजाइन व्यू पे चलेंगे, और डिजाइन व्यू पे जाने के बाद आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा प्रॉपर्टी शीट, और ये दिखाई पड़ेगा एड एग्जिस्ट आ गया है, और ये शो ऑल टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए यहां पर कौन कौन से फील्ड्स आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए, टोटल चाहिए, वैट चाहिए, सारी ही डिटेल्स चाहिए। तो ये सारी चीजें लेकर के और टोटल और फिर टैक्स अमाउंट भी ले लेते हैं। इसमें कुछ चीजें हम इधर उधर कर सकते हैं, इसको सेटिंग कर सकते हैं, मैं इसको इधर रख रहा हूँ ये इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको विड्थ बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे ये विड्थ बढ़ा दिया हमने और इधर आ जाएंगे थोड़ा सा, तो ये टैक्स अमाउंट हो गया, देख सकते हैं। और इसको भी ये टोटल टैक्स, टैक्स वाला जो भी डिटेल है वो इधर लेके आएंगे। तो ये देखिए ये टोटल टैक्स हो गया आपका, ठीक है, और ये एडिशनल टैक्स हो गया आपका। तो सारी चीजें यहाँ पर साइड में कर दी गई है, देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और करना है। अब ये वैट है तो वैट को भी इधर ही कर देता हूं मैं, ये ऊपर सबसे ऊपर वैट को रखता हूँ, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से रिसाइज करना है और यहाँ पर जाना है प्रॉपर्टी शीट पर, और प्रॉपर्टी शीट पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म चूज करना है, और फॉर्म के अंदर हमको देखना है क्या, देखना है यहाँ पर यस करना है इसको, और यहाँ पे मॉडल दिया गया, तो मॉडल यस या नो करने की छूट आपको है, तो यहाँ पे चाहे तो यस कर सकते हैं। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा एक काम और करना है हमको, हम इतने हिस्से को सेलेक्ट करके इसके बराबर में लेके आएंगे, तो यहां से जाएंगे और अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो ये यहां पर आ गया। अब देखिए ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया, और यहां देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है ये जो है एकदम इसमें सट के आ रहा है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। एक फील्ड है, एक लेबल है आपका, और दूसरा जहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा वो दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से पॉपअप को यस करेंगे, फॉर्म पे जाके ये पॉपअप तो यस कर ही दिया है हमने, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ से होम टैब पे जाके और यहाँ से इसको कलर प्रोवाइड करना है, ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक कलर भी हमने प्रोवाइड कर दिया, इतना सब करने के बाद इसे बोल्ड भी कर देंगे, तो ये बोल्ड भी कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें यहाँ पे आसान है, ठीक है। अब करना क्या है हमको, यहाँ पे बाहर क्लिक करना है और बाहर क्लिक करके यहाँ पे बटन्स बनाने हैं। देखिए बटन बनाना ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये बनेगा कैसे, तो ये फॉर्म डिजाइन जो है ना यहीं से सारे बटन्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। ये बटन पे क्लिक कीजिएगा और जो भी बटन आप बनाना चाहें यहाँ से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये मान लीजिए कि हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, उसके लिए एक बटन बना ले, तो यहाँ पे जाकर के आप टेक्स्ट रखिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बन जाएगा। ये मैंने कई बार सिखाया है। इसी तरीके से प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए बटन आप तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बना लीजिए। तो इस तरीके से सारी चीजें बहुत आसानी से होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन है और इसको भी टेक्स्ट रख करके, नेक्स्ट रख करके और फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत ईजी है, वेरी इजी, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना, सारा काम हो गया है। एक बार इसको चेक करना है, करेंगे तो हम एक क्वेरी बनाएंगे, उसके बेस पे कॉम्बो क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल आपका ये फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ कैमरा वाला आ रहा है, फिर यहाँ माउस वाला आ रहा है, प्रीवियस पे जाना है कैमरा लैपटॉप, ठीक है, तो प्रीवियस जा सकते हैं, नेक्स्ट भी जा सकते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैट टैक्स के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। तो ये फॉर्म भी हमारा बनकर के तैयार है, जब भी ओपन करेंगे इस फॉर्म में ये दिखेगा। इसके बाद अब हम रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, तो यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट विजर्ड दिख रहा है, रिपोर्ट विजर्ड से जा सकते हैं। तो यहाँ रिपोर्ट विजर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वैट कैलकुलेशन नाम का टेबल है, इसी के आधार पर हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं चाहे तो। तो यहाँ पर चल करके इसी के आधार पर हम रिपोर्ट डिजाइन करते हैं, ये हो गया हमारा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट को ही हम प्राथमिकता देंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट को। और यहाँ पे कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, तो किसके बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, और यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर आउटलाइन कर देता हूँ आउटलाइन, और यहाँ पर इस तरीके से जाके मॉडिफाई डिजाइन करके और यहाँ से ओके कर देंगे, तो आपके पास रिपोर्ट भी ये जनरेट होके आएगा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी, देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ही आपको नजर आएगी, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको रीसेट कर सकते हैं, रिपोर्ट छट करके आए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये रिपोर्ट आपको डिजाइन होती हुई नजर आई है, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी।